देखिए क्वेश्चन जो आया है वो आया गेट 116 के अंदर 2 मार्क्स के लिए। जो क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, कंसीडर द चार्ज प्रोफाइल शोन इन द डायग्राम, द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाई। तो जो ये चार्ज डेंसिटी का जो डायग्राम आपके सामने है, पोटेंशियल का डायग्राम क्या होना चाहिए आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं कि सवाल बहुत सिंपल है वैसे तो, लेकिन ये अपने आप में सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन हो चुका है। सिग्नल सिस्टम में जो आप मैथ्स लगाते हैं वो आपको आती है, अगर मैथ्स का पर आपका हाथ साफ है तो आपका ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है, आपको पता है पहले तो कि पोटेंशियल का चार्ज के साथ क्या कनेक्शन है। तो सर हमको पता है कि पॉइजन इक्वेशन से माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन होता है डेल स्क्वायर वी इक्वल। तो अब आपको पता है कि जो रो वी है वो कांस्टेंट है जब बी से 0 जा रहे हैं तो, और ऐसे ही 0 से 1 की तरफ भी कांस्टेंट है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो आपको पता है बस यहाँ पर आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपको पता है कि माइनस इंटीग्रल ऑफ रो वी अपॉन एप्सिलॉन, और ये मान लेता हूँ सिर्फ एक्स के अंदर है तो सिर्फ ये डी एक्स कर देंगे आप, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट था, तो इस पार्ट को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं एक बार के लिए आप बी से लेके 0 तक, और वो है आपके लिए कुछ भी माइनस का, या रो टू बोल रहा है तो रो टू अपॉन एप्सिलॉन डी एक्स ऐसे है। उसके बाद 0 से लेके a तक वो आपका रो वन बाई एप्सिलॉन इंटू डी एक्स बोल रहा है। तो आपको पता है ये लीनियर क्वेश्चन मिलेगी आपको, यहाँ से एक लीनियर कनेक्शन मिलेगा, और उसके बाद उसका एक बार इंटीग्रेशन करना है। तो डबल इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पैराबोलिक मिलेगा। आपको पता है कि पहले तो माइनस में है कोई वैल्यू, तो माइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा सर मुझे पता है, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी और यहाँ पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आप मुझसे यूँ भी पूछते कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सीधा मैं इंटीग्रेशन कर देता। अभी तो भाई एप्सिलॉन भी होगा, कोई बात नहीं, वो कॉन्स्टेंट ही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है तो ये कुछ ऐसा इंटीग्रेशन होना चाहिए, और यहाँ पर आपको पता है कि जो पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ ऐसा होना चाहिए था। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, सिंगल इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशियल ये होगा, आपने सिग्नल सिस्टम में काम भी किया होगा। और अब आपसे बस पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन एक बार और करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूँ फिर से कि यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रेशन करना था उसमें माइनस टाइम्स भी है, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी के साथ माइनस टाइम भी है। तो मैं सिंगल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, फिर इसको उल्टा भी करूँगा मैं प्लस में, बट फिर वापस मैं माइनस में एक बार इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस का 2 बार इंटीग्रेशन करके वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप तो 2 बार इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो सेकंड इंटीग्रेशन में तक आप पॉजिटिव लेते चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना अगर सिंगल इंटीग्रेशन करता तो माइनस साइन भी है तो मुझे इसको वापस उल्टा भी करना पड़ता, बट फिर वापस का इंटीग्रेशन करके माइनस साइन और लगाना पड़ता, तो वापस उल्टा करना ही पड़ेगा दूसरी बार भी। तो 2 बार अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप फिर इसको भूल जाइए कि वहाँ पर आपको कोई साइन के ऊपर ध्यान भी देना है। तो अभी अगर हम वापस बात करें यहाँ पर, तो जो इंटीग्रेशन होगा फिर से वो देखिए, तो आपको पता है कि लीनियर है तो लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये माइनस साइन के साथ होना चाहिए, यहाँ तक अगर मैं बोध करूँ तो वाइस जो मेरा जो इक्वेशन होनी चाहिए वो कुछ नेगेटिव स्लोप के साथ, फिर वापस नेगेटिव लेना है तो इस तरह से कोई इक्वेशन होनी चाहिए, एक्स का इक्वल टू 4ay की तरह, और एक ये वाला होना चाहिए माइनस एक्स का इक्वल टू 4ay की तरह, ये क्वाड्रेटिक। या ये बोलूँ कि आप स्लोप को अगर पकड़ना चाहते हैं, स्लोप को देखना चाहते हैं, तो स्लोप को देखिएगा आप। तो आपको पता है कि सबसे पहले अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देखूं, सबसे पहले तो मुझे नेगेटिव साइन के साथ लेना था, तो ये पहले तो कर्व ये होना चाहिए क्योंकि माइनस साइन भी आपको लगाना है, तो ये कर्व आपका हट चुका है, माइनस साइन है ना ये, तो आपको पता है ये कर्व होना चाहिए। तो आपको पॉजिटिव स्लोप लेना है, इसका रिफ्लेक्शन करूँगी कुछ पॉजिटिव स्लोप आए, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये स्लोप बढ़ता हो जा रहा है और उसके बाद ये स्लोप घटता हो जा रहा है, तो उसके बाद नेगेटिव स्लोप आना चाहिए, पहले पॉजिटिव स्लोप फिर नेगेटिव स्लोप। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी ही बनने वाली है, दिमाग में बस ये आता है कि ऐसे ही बनाएं इसको या फिर हम कुछ ऐसे बनाएं, तो ऐसा कुछ है नहीं वैसे भी ऑप्शन में, आपको टेंशन भी नहीं लेनी थी। और आपको पता है कि पॉजिटिव स्लोप पहले बनना चाहिए फिर नेगेटिव स्लोप बनना चाहिए, बस ये माइनस का एक गलती की थी। पर मैं कह रहा हूँ फिर से कि ऑप्शन इतने अच्छे नहीं थे, ऑप्शन इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि यहाँ पर ये जो इस तरह से ऑप्शन दे रखा है ये इसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये जो जंप है वो जंप की कोई कहानी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो जंप आने वाले हैं ये दोनों ऑप्शन इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे कि ये जो जंप आया यहाँ पे इस जंप का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डिफरेंशियल करता तो मैं यहाँ पे एक इंपल्स आता और दूसरे डिफरेंशियल में जो कि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशियल करके यहाँ मेरे को चीज़ मिलती, तो मुझे एक इंपल्स का भी डिफरेंशियल है कि आपको जो डबलेट फंक्शन है वो दिखना चाहिए था, पर ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको बी और सी पे तो ध्यान देना ही नहीं था। अब आते हैं ए और डी पे भी, तो आपको बताता हूँ कि कुल मिला के कहानी ये है कि हमको ए और डी की जैसे शेप भी मिल चुकी है ये। अब काम की बात ये है कि उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती रहेगी हमेशा कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ये जो जंप लेके 0 किया इसने, तो फिर से वकी पंगा हो गया कि अगर डिफरेंशन करता मैं यहाँ पे तो यहाँ इम्पल्स आता,
और ये इम्पल्स आगे नज़र आना चाहिए था, यानी कि इम्पल्स का एक बार डिफरेंशन करता तो फिर मेरे को यहाँ पे जो डबल डिफरेंशन करने के बाद रोएस आता तो चार्ज डेंसिटी आती, तो मुझे पता है कि वहाँ पर मुझे डबलेट फंक्शन दिखना चाहिए था जो कि नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ भी कहानी नहीं है। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें रॉन्ग है। यहाँ पर ये वाली कहानी सिंपल है, जहाँ पर कोई भी जंप नहीं है, जो यहाँ तक तुम्हें फंक्शन मिला था ये फंक्शन कॉन्स्टेंट चलता रहना चाहिए था। तो अगर पता है इसका मतलब, इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। तो ये जो छोटी सी नॉलेज है, ये थोड़ी बहुत मैथ्स की जो नॉलेज है, ये थोड़ी बहुत सिग्नल सिस्टम की नॉलेज है जो आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो इससे आपको यहाँ पे कवर करना था। और ऐसे क्वेश्चन और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए इन थोड़े फंक्शन पर आपका हाथ साफ होना चाहिए। तो क्वेश्चन अपने आप में एक तरह से EMFT का नहीं है, अपने आप में क्वेश्चन तो है सिग्नल सिस्टम या मैथ्स का। सो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.